हम इस समय माँ चंडिका के गर्भगृह है, यानी जहाँ माता विराजमान हैं मुख्य मंदिर में, वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं। नमस्कार, लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हम मिर्जापुर जिले के पड़ेरी क्षेत्र के चंडिका धाम परिसर में हैं, जहाँ भदोही जिले के प्रमुख उद्योगपति धर्मवीर और दानवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र दादा यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये चंडिका धाम है। यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जो पूजन और आयोजन चल रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी के साथ साथ देखा जाए तो भदोही जिले में दानवीर और कर्म धर्मवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र पूजन अर्चन कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यहाँ पे वेद मंत्रों का पाठ चल रहा है। तमाम यहाँ चंडिका धाम का निर्माण उद्योगपति द्वारा कराया गया है। पूरा समूचा परिसर हम आपको दिखाएंगे इन तस्वीरों में, लेकिन आप जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी निखिलेश मिश्रा का है, जो यहाँ चंडिका धाम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं मिर्जापुर जिले के पड़ेरी क्षेत्र के चंडिका धाम परिसर में। गंगा का यह किनारा पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे साथ प्रमुख उद्योगपति समाज सेवी और यह कह लीजिए कि भदोही जनपद के दानवीर धर्मवीर निखिलेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने देखा जाए तो प्रयागराज से लेके काशी की क्षितिज तक और अब बिंध धाम, यानी काशी प्रयाग बिंध का जो संगम स्थली कहा जाता है, जिसे भदोही के रूप में जाना जाता है, वहाँ से कभी काशी में, कभी प्रयाग में, तो कभी बिंध धाम में मंदिरों के जीर्णोद्धार की दिशा में कदम उठाने वाले धर्मवीर से हम बात करने जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंडिका धाम पहुँचे कैसे, कैसे चंडिका धाम पहुँचे, माता की कैसे प्रेरणा मिली और गंगा के इस तट पर सुदूर प्रेरणा के साथ आज यहाँ अनुष्ठान शुरू हुआ है, तो प्रेरणा कैसे मिली। ओम नमः चंडिकाय, नतव्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देव जयम देव सुदेव। मैं बंगाल में व्यापार करता हूं और मेरा एक यूनिट है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, गवर्नमेंट इरिगेशन में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। यहां पर माँ चंडिका के मंदिर के पास गंगा जी बह रही हैं, इनका कटान बहुत यहां ज़्यादा है था, इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने यहां कटान रोकने के लिए एक टेंडर जारी किया। हम लोग जो है छोटा काम नहीं करते हैं, माँ का काम था, तो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमारे लड़के को फ़ोन किया कि आप इस टेंडर को डालिए, और हम लोग इंटरेस्टेड कम थे, लेकिन माँ की प्रेरणा मिली, टेंडर डाला गया और हमको टेंडर मिल गया ऑनलाइन। मिलने के बाद यहाँ काम चल रहा था, एक दिन हमारे मन में आया कि मैं चलूँ माँ चंडिका का दर्शन करूँ, माँ ने प्रेरणा दिया और मैं यहाँ आया। माता के दरबार में दर्शन किया, भव्य लगा, दिव्य लगा, और यहाँ के लोगों ने कहा कि कुछ अगर माँ की सेवा हो जाए, हमारे मन में भी माँ की प्रेरणा से उद्गार हुआ, कुछ यहाँ कुछ माँ की सेवा कर दिया जाए, तो उसी क्रम में माँ का आशीर्वाद मिला, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। कार्य शुरू हो गया, फिर अब जो है आप लोगों के सामने है, माँ की जो भी सेवा हुई है माँ के द्वारा ही हुई है, माँ ने हमारे द्वारा कराई है, लेकिन सारा सब कुछ धन संपदा प्रेरणा सब उनकी है। तो यहाँ कार्य क्या क्या कराए गए हैं? यहाँ पर जो है टोटल मंदिर जो है नीचे से वो पूरा मंदिर वो करके डिमोलिश करके, प्राचीन मंदिर था उसको, उसकी सारी दीवारों को डिमोलिश करके नीचे से ही नींव से ही पूरा काम हुआ है। और इसमें मंदिर में माता के साथ गणेश जी की मूर्ति थी, शंकर जी की मूर्तियाँ थी, शीतला माता की मूर्ति थी, हनुमान जी की थी, भैरवनाथ की थी, शेर की थी। तो उसमें जब गणेश जी की मूर्ति खंडित थी
कुछ मूर्तियां खंडित थी और बाकी मूर्तियां जो है माँ की मूर्ति बीच में थी, मंदिर के बीच उसमें थी गर्भगृह में वो नहीं, लेकिन बाकी मूर्तियां जो है जब दीवार टूटी तो मूर्तियां हटाई गई, तो मूर्ति जब हटाई जाती है तो अपने आप खंडित मानी मान ली जाती है शास्त्र के हिसाब से, तो सारी मूर्तियों को हटा दिया गया, केवल माँ चंडिका का ही यहाँ रह, उनकी मूर्ति रह गई वही है यहाँ पे। तो मूर्ति हट करके पूरा मंदिर का काम हुआ और यहाँ पर ऐसे मंदिर था वो नहीं था क्या बोलते हैं माने शिखर, शिखर नहीं थी, तो यहाँ ये माँ का मेन जो है शिखर वो 72 फीट ऊँचा बना है और बाकी जो गणेश जी की, गणेश जी बगल दाहिने तरफ उनके गणेश जी थे, माँ के बाएं तरफ गणेश जी थे, बाएं तरफ गणेश जी थे उनकी उनका शिखर 21 फुट का गुम्बज बना और भैरवनाथ का हनुमान जी का भी 21 फुट का बिना बना और भैरवनाथ का भी 21 फुट का बना, शेर का भी बना और सामने बड़ा हाल था वह हाल भी बना और सारे बन करके एकदम नए ढंग से आपके लोगों के सामने हैं और सारा कार्य हुआ। सारा जो है लाखा ग्रेनाइट जो कि भारतवर्ष का सबसे अच्छा ग्रेनाइट माना जाता है राजस्थान से आकर के लगा, और सब माँ की प्रेरणा से उन्हीं के आशीर्वाद से सब स्टील विंडो और सारा चीज़ें सब उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा से हुई है। हाँ बस यही है, आप देख ही रहे हैं बाकी आज उनका अब मूर्तियाँ नई है सब आई हुई हैं उनका, वो उस समय विसर्जन किया गया था मूर्तियों का और अब जो है नई मूर्ति आई है सबको, कसौटी पत्थर काले पत्थर की मूर्ति है गणेश जी की, शीतला माता की भी काले पत्थर की आई हुई है और शिव परिवार की है, द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, नौ दुर्गा की प्रतिमाएँ हैं और जो है शिव परिवार है, हनुमान जी की मूर्ति लाल पत्थर की है, बाकी भैरवनाथ की कसौटी की मूर्ति आई है, शेर की भी प्रतिमा आई है, सारी प्रतिमाएं जो है अब आज से अनुष्ठान चालू हुआ है सहस्त्र चंडी का, डेली 1008 पुष्पों से कमल पुष्पों से जो तमिलनाडु से मंगाया गया है उससे पुष्पार्चना होगी माँ की और 8 तारीख को सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्थापित होंगे देवता उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर यज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी और और जो है पारस भंडारा होगा। हमने पेपर में दिया है कि जो भी श्रद्धा माँ के श्रद्धालु हैं भक्त हैं वाले आएँ और उस दिन प्रसाद दें, जितने भी लोग आए सब प्रसाद दें और उसके लिए हमने कर्नाटक से जो है वो देसी घी गाय का मंगवाया हुआ है, सारा कार्यक्रम देसी घी में होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख उद्योगपति समाज सेवी नंदिनी ब्रांड देसी घी है कर्नाटक गवर्नमेंट का जी जी, तो दानवीर धर्मवीर जिन्होंने इस निर्जन स्थान पे, ये कहा जाए कि सर्वशक्तिपीठ है माँ का, लेकिन जिस स्थान पे है यहाँ गंगा की सुरम में धाराएं हैं और यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है, कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि कड़े धाम में जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद चंडिका धाम यानी बिंध धाम की धरती पे ये अनुष्ठान शुरू हुआ है जो निरंतर चलेगा, इसके बाद पारस भंडारा का आयोजन होगा। कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से धर्म और दान के साथ इन्होंने लंबे समय से ये माता के प्रति, देवों के प्रति, महादेव के प्रति समर्पण भाव दिखाया है, चाहे कंपनी के जरिए चाहे स्वयं में, वो अनूठा रहा। कुल मिला के चंद शब्द ऐसे बनते हैं जो स्वयं ये बयां करते हैं। इस स्थान को देखकर मुझे ये चंद लाइनें याद आ गई कि समा बुझकर भी जल सकती है कश्ती, हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, ऐसा यहाँ के लोगों ने सोचा था, लेकिन हमने जो सोचा वो जिस तरह से प्रमुख समाजसेवी उद्योगपति निखिलेश मिश्रा दादा जी ने यहाँ पर ये कार्य कराया है, उसे देख कर यही लगा कि समा बुझ जाए तो ये उसको भी जला देंगे, कश्ती को हदे तूफान से किनारे लगा देंगे, मायूस न होना ऐ इरादे बनाने वालों, ये वो है जो उजड़े चमन में बहारों को खिला देंगे। ये बहुत अच्छा कार्य किए और इतना यहाँ के जनता को हर्षोल्लास है कि कोई सोचा नहीं था कि यहाँ मंदिर इस तरह से बनेगा, लेकिन दादा ने जो बनवा दिया मंदिर, ये 10 जनपद में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है कि ऐसा मंदिर बना हुआ है और पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास है कि दादा ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया और माँ भगवती इनको दिन रात चौगुना बढ़ाती रहेंगी। भक्त लोग अपनी इच्छा से जो मनौती मानते हैं माता के दरबार में, उनका माता मनोकामना पूर्ण करती हैं। बगल में साइड में गंगा माँ की किनारा है,
सब गंगा स्नान करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, भी मुंडन भी करते हैं, करैया रूट चढ़ाते हैं यहाँ पर। कुवार नवरात्र चैत्र नवरात्र में यहाँ भीड़ भी लगता है, कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, 14-15 खिचड़ी मकर के भी मेला यहाँ लगता है। काफ़ी दूर दराज के लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं, काशी और प्रयाग सोनभद्र के लोग भक्त भी यहाँ आते हैं। हर मंगलवार की भी यहाँ 1000-2000 की भीड़ यहाँ लगती है। जिस तरह से पहले मंदिर था और अब जो परिवर्तित हुआ है स्वरूप जी, और दादा के आने के बाद जो तस्वीर बदली है जी, जी को आने का यहाँ मौका मिला, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत खूबसूरत कराया दादाजी ने, बहुत अच्छा किया। पूरे 10 जनपद के लोग भक्त लोग यहाँ बहुत खुश हैं कि जो दादा ने करा दिए वो कभी सपने भी नहीं सोचे थे यहाँ पर। वेरी गुड। कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि कैसा काम कभी होगा यहाँ। यह 10 जनपद में ऐसा कोई काम नहीं किया यहाँ पर। अद्भुत मंदिर जी, इस विषय में मेरे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसा कार्य हो रहा है दादाजी के द्वारा। हम लोग तो बहुत ही प्रसन्न है, शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने का। ये जान लीजिए माता जी की बहुत ही कृपा होता है तो सेवा का मौका मिलता है। माँ का बहुत बड़ा अनुकंपा है दादाजी के ऊपर जो माँ का मंदिर का सेवा करने का मौका मिला। मैं पुजारी के नाते दादाजी को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। माँ से निवेदन करता हूँ कि मैया की हमेशा कृपा बनी रहे दादा के ऊपर और कुछ न कुछ करते रहे यहाँ के लिए। परिवर्तन हुआ है, क्या कहेंगे इस परिवर्तन को लेकर? ये माँ की कृपा से सब कुछ हो रहा है। वैसे माता जी ने अपने भक्त को भेजा स्वयं के उद्धार के लिए, दादा आए तो क्या कहेंगे इनके बारे में? दादा तो पूरा बहुत भक्त हैं, आज ने बहुत पहले से माँ के, और इन्होंने जो जीर्णोद्धार किया ना बहुत अच्छा किया। इसका कल्पना कहा जाए तो अब जितने कहा जाए उतने थोर है जी। बहुत अच्छा।